नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के साथ ही बिहार की जो राजनीति है वो तेज होने वाली है। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के समर्थन में है, तेजस्वी यादव के यूं कहें तो संपर्क में है। राजनीति में संपर्क में होना का मतलब ये नहीं होता है कि वो उनके साथ जा रहे हैं, उनके गठबंधन में जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए चर्चा छिड़ चुकी है कि नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली जाएंगे, यानी तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे, दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद बिहार के लिए कुछ अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है। लगातार नीतीश कुमार अपनी कई मांगों के साथ केंद्र सरकार के आमने सामने रहे हैं, केंद्र सरकार के रुखों में अभी तक बदलाव नहीं हो पाया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो बवाल मचा, उस बवाल के बीच नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से समय मांगा था और समय मिल गया है, कल मुलाकात होंगी। तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली जा चुके हैं और अब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। इनमें 11 नेताओं का नाम शामिल है, कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होंगे हम आपको बताते हैं। अगर बात नीतीश कुमार की पार्टी से करें तो नीतीश कुमार रहेंगे, जनक राम रहेंगे, जीतन राम मांझी वीआईपी के, मुकेश सहनी कांग्रेस से, अजीत शर्मा माले के, महबूब आलम अख्तरुल इमाम ओबैसी के पार्टी से, सीपीएम से अजय कुमार, सीपीआई से सूर्यकांत पासवान शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि भाजपा के तरफ से कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और यह भी खबर थी कि भाजपा शामिल नहीं हो रहे, लेकिन फाइनली ये तय हो गया कि भाजपा शामिल हो रही है। नीतीश कुमार ने इस बात की चर्चा भी कर दी थी कि भाजपा से हमने इस बारे में बातचीत नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के एक और पार्टी जो इन दिनों निर्णायक भूमिका में है और लोजपा, लोजपा से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को फिर से एक बड़ा झटका लग सकता है। नीतीश कुमार के लिस्ट से वो गायब हो गए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री के लिस्ट से वो पहले ही गायब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल कराया था, उसके बाद चिराग पासवान बीजेपी पर भी हमलावर थे। वैसी स्थिति में देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जब शामिल हो रहे हैं और चिराग पासवान का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है तो बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आता है, और चिराग पासवान पहले ही नीतीश कुमार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थन में है। इसको लेकर लोजपा के कई प्रवक्ताओं ने इस बात का दावा भी किया था कि आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ी टूट होने वाली है और लोजपा के किसी नेता को शामिल नहीं किया जा रहा है इस डेलीगेशन में जो जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आता है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद क्या फैसला हो पाता है कि आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होगा या नहीं होगा, या बिहार सरकार अपने फैसले पर जातीय जनगणना कराती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।